Hey guys, welcome back with another video. This is Versus Malik and you're watching Asansol Studio Brotherhood YouTube channel. So guys, आज मैं करने वाला हूँ daily vlog. So सारा activity guys, आज मैं इस vlog में आपको बताऊँगा कि मैं daily basis पे क्या करता हूँ. By the way, आज हम लोग जाने वाले कुर्मा स्टोर, क्योंकि इससे पहले मैंने कुर्मा स्टोर गया था एंड वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करके बताया थी कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं. आज गाइज मुझे जाना है एप्पल का प्रोडक्ट देखने के लिए, बट इससे पहले जब मैं गया था तो आई थिंक एप्पल का फोन जो है सारे फोन्स अवेलेबल थे, बट मुझे इस बार जो है एप्पल का मैकबुक का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उस वाले मैकबुक पे FCP फाइनल कट प्रो काफ़ी अच्छी तरीके से चलता है एंड काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है गाइज. सो मुझे देखना है गाइज़ कि क्रोमा में क्या एप्पल का लैपटॉप मतलब मैकबुक अवेलेबल है या नहीं. सो फिलहाल यहाँ पर गाइज हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट जो है कंप्लीट कर लिया है एंड मेरे साथ है गाइस संजीव. तो यहाँ पर गाइस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था, सैंडविच एंड फ्रेंच फ्राइज, जो कि हम लोगों ने साक्षी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया था. ये है गाइस, सो ये वीडियो में गाइस दोस्त से मिलाना चाहूँगा. तो ये है गाइस पार्टी. सो कुछ महीने पहले ये काफ़ी छोटा हुआ करता था एंड अभी ये बहुत ही बड़ा हुआ हो गया है गाइस. महीने का फोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड फिलहाल गाइस अभी देखिए कैसा हो गया. एंड यहाँ पर गाइस मेरे साथ है सिद्धार्थ एंड संजीव. सो सिद्धार्थ को लेना है माइक्रोवेव क्रोमा से, तो वो भी गाइस मेरे साथ जा रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मुझे एप्पल का मैकबुक देखना है बिकॉज ऑफ फाइनल कट प्रो. जैसे कि आप लोगों को पता है कि उसमें काफ़ी कमाल और बेहतरीन तरीके का एडिटिंग होता है. अगर मैं एप्पल का प्रोडक्ट लेता हूँ मतलब मैकबुक, सो उसके बाद से जो वीडियो क्वालिटी आएगी एकदम सिनेमैटिक टाइप. इसीलिए गाइस मैं एक बार क्रोमा पर जाकर चेक करना चाहता हूँ क्या वहाँ पर एप्पल का प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं. ठीक है, हम लोग आ चुके हैं क्रोमा स्टोर. इससे पहले क्रोमा का एक मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया था, काफ़ी प्रोडक्ट के बारे में बताया था, पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया था. आप चाहो तो वो देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा. सो फिलहाल आज गाइस हम लोग को देखना है एप्पल प्रोडक्ट के बारे में, जानना है क्या ये अवेलेबल है या नहीं. तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ क्रोमा स्टोर के अंदर पे एंड यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखा गया है, लाइक सैनिटाइजेशन से लेकर शुरू करके टेम्परेचर तक एंड सभी एम्प्लॉय ने प्रॉपर तरीके से जो मास्क पहना हुआ है एंड विदाउट मास्क जो है आपको एंट्री नहीं मिलेगी. सो यू हैव टू कैरी अ मास्क विद. यहाँ पर एक मॉडल अवेलेबल है मैकबुक का, वो है गाइस एप्पल का मैकबुक एयर, जिसका ऑफर प्राइस है 64,900 समथिंग. एंड मेरे साथ है गाइज, आपका क्या नाम है? राजेश. सो राजेश गाइज यहाँ का जो एम्प्लॉय है एंड यहाँ के एम्प्लॉय जो है काफ़ी सपोर्टिव है, काफ़ी अच्छी तरीके से असिस्ट भी करते हैं एंड काफ़ी कोऑपरेटिव है. सो राजेश हमें एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में, एक मॉडल जो अभी अवेलेबल है एंड आने वाले दिनों में कौन कौन सा मॉडल और भी यहाँ पर अवेलेबल होगा. तो फिलहाल हम लोग एप्पल का जो मैकबुक है उसे हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं क्या क्या जो मेन फीचर्स है जिस वजह से मैं परचेज करना चाहता हूँ, वो भी गाइज मैं आपको बताता हूँ. और इसका जो गाइज ओपन हो चुका है हमारा मैकबुक एंड इसका जो गाइज मेन फीचर्स है, ये गाइज सफारी ब्राउजर देख रहे हो आप, तो इस पर जब भी हम लोग कुछ ब्राउज करते हैं तो उसका जो डेटा सेव नहीं होता है. एंड इसका सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका सिक्योरिटी जो है बाकी दूसरे सारे लैपटॉप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. वो मैंने बताया गया कि क्रोमा के स्टोर पे जो है एप्पल का सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, इवन एप्पल मैकबुक भी. एक्सपीरियंस गाइस काफ़ी अच्छा था क्रोमा के साथ, इससे पहले भी मैंने कई बार क्रोमा आ चुका हूँ. सो ये वीडियो गाइस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना. समझ गया, एक दो तीन चार. ओके, सो आज गाइस एक स्पेशल काम हम लोग और मैं और सिद्धार्थ जो कर रहे हैं वो है साक्षी का जितना सोशल मीडिया हैंडल है वो मैं हैंडल कर रहा हूँ. अरे भाई थैंक यू. देखा होगा आपने सदे तो आज गाइस मैं इधर शूट कर रहा था एक व्लॉग. सो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर के साथ हम लोग यहाँ पर मिले हैं. सो शुरू करते हैं, आपका नाम? गणेश बैनर्जी. हरिजीत चौबे. आपका नाम? आनंद चांद. तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके. तो वीडियो को आपने खूब भाला. थैंक यू.
तो फिर से गाइस काफ़ी सारे यूट्यूब काफ़ी सारे सब्सक्राइबर से हम लोग मिले, तो काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरह से हम लोग कुछ सब्सक्राइबर से मिलते हैं। सो बहुत जल्द हम लोग गाइस 100 के क्रॉस करने वाले हैं, तो थोड़ा और सपोर्ट दिखाओ गाइस, थोड़ा और ज़्यादा शेयर करो ताकि जल्दी हम लोग 100 के अचीव कर पाए। एंड गर्मी गाइस काफ़ी बढ़ चुकी है आसनसोल में, एंड प्यास भी लग चुका है काफ़ी। अभी जस्ट हम लोग क्रोमा से बाहर आए हैं, तो हम लोग अभी जूस पियेंगे, मैं, सिद्धार्थ और संजीव। तो जैसा कि गाइस मैं बता रहा था, आज हम लोग थोड़ा डिफरेंट चीज़ करने वाले, वो ये है गाइस कि सिद्धार्थ का मतलब साक्षी रेस्टोरेंट का जितना भी सोशल मीडिया है वो मैं हैंडल कर रहा हूँ आज के दिन के लिए सिर्फ। एंड मेरा जो सिटी ऑफ ब्रदरहुड का सोशल मीडिया हैंडल है वो लगातार उस पर गाइस सिद्धार्थ जो है स्टोरी डाले जा रहा है। सो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं, जूस पीते हैं एंड फिर हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं। सीन बनाइए, बर्फ है क्या आपके पास? बर्फ है। पुदीना पत्ता, पुदीना, नींबू सारा डाल दिया। बर्फ है ना? बर्फ नहीं है, बर्फ नहीं है, ठंडा है। ठंडा होगा, ठंडा बर्फ बिना ठंडा। हम लोग का अभी जाना है होटल। यहाँ पर हम लोग का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। माइक्रोवेव उन्होंने देख लिया, मैंने देख लिया अपना एप्पल का मैकबुक जो कि था एप्पल एयर, मैकबुक एयर 66,000 रुपीज़ उसका प्राइस था, उससे तो कई ज़्यादा फ़ोन के प्राइस थे। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं साक्षी रेस्टोरेंट। जैसे कि मैंने बोला गया सिद्धार्थ को जो है रेस्टोरेंट के लिए माइक्रोवेव लेना था, तो फिलहाल हम लोग रेस्टोरेंट पर आए हैं एंड बहुत काफ़ी ज़ोर से प्यास लगा। थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने जूस पिया बट प्यास जो है काफ़ी ज़ोर से लगी है, तो अंदर जाके कुछ ठंडा वंडा पीते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कहीं आपको। हम लोग आ चुके हैं साक्षी रेस्टोरेंट एंड फिर से हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ हमें मिल रहे हैं, इनका सुबह से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमें मिल रहे हैं। जैसे कि हम लोग पता है 100 के जल्द होने वाला है, तो कीप शेयरिंग, शेयर करो ज़्यादा ताकि हम लोग और जल्दी 100 के हो जाए। थैंक यू। सो ये गाइस 200 रुपये इनसे यहाँ पर मुलाकात हो, कुछ प्रोग्राम चल रहा है साक्षी रेस्टोरेंट पर एंड काफ़ी रश है। मैं बताता हूँ कि कैसा कैसा कॉम्बो है एंड इसे हम लोग कैरी करके कहीं और लेके जाएंगे एंड वहाँ पर ट्राई करेंगे। सो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि हर कॉम्बो पैक का एक प्लेट यहाँ पर ऑर्डर कर रखा है, जिसमें से कुछ हम लोग ट्राई करेंगे एंड कुछ हम लोग लेके जाएंगे। बट अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या कॉम्बो पैक है एंड स्टार्टिंग प्राइस मैं बता देता हूँ। पराठा पनीर मसाला, पनीर मसाला है, ये प्लेन राइस, प्लेन राइस, और ये पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला, ये जीरा राइस, चिकन टिक्का बटर मसाला सैलेड, ये शेजवान वेज फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, मशरूम मंचूरियन और सैलेड, प्लेन पराठा, चिकन कस्सा और सैलेड। ये लोग गलती किया, हम सच बोल रहे हैं, यहाँ अचार होना चाहिए था और यहाँ कहाँ गया, नहीं यहाँ सैलेड, ठीक है। ये जीरा राइस और प्लेन क्या होता है, मटर पनीर, मटर पनीर पराठा वाला। ओके, सो ये अभी लॉन्च नहीं हुआ, ये प्रूफ कर दिया। हाँ, तो फिर ये लॉन्च होगा मार्केट में, लॉन्च हो रहा है, कुछ भी किसी को नहीं खिला तो फिर आप लोगों को मिलेगा ये। फिलहाल तो अभी नहीं मिलने वाला, ये अभी टेस्टिंग चल रहा है इसका। बट प्राइस मिनिमम प्राइस से मैक्सिमम प्राइस कितना तक रहेगा ये? वुमेंस डे के दिन लॉन्च करेंगे, स्टार्ट होगा 150 से, मैक्सिमम जाएगा 250। सो 150 से स्टार्ट होगा एंड 250 तक जाएगा, बेकार का पैसा नहीं लगेगा। सो यहाँ पर गाइस अब हम लोग निकल चुके हैं रेस्टोरेंट से, हम जा रहे हैं हम लोग इसको हाईवे। सो फिर से गाइस मैं आ चुका हूँ साक्षी रेस्टोरेंट पे, जो कि हाईवे वाले पास पे है, जो बार के साथ, इससे पहले कई साल पहले मैं एक वीडियो बनाया था, आई थिंक ये क्या 2 साल पहले इसका एक फूड ब्लॉग बनाया था। सो गाइस यहाँ पर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, सो अभी हम लोग जाएंगे लंच करने के लिए। ओके,
सो गाइस अभी हम लोग हैं कहाँ पर, नियामतपुर पार्क के कुछ एक जगह है, खुशी रेस्टोरेंट में। नियामतपुर और कुल्टी के बीच में कोई एक जगह है, मुझे नहीं पता, ये रेस्टोरेंट है गाइस खुशी रेस्टोरेंट। सो आज गाइस सिद्धार्थ ने मुझे यहाँ पर लेकर आया है इस एरिया पे, क्योंकि इससे पहले मैंने इस सारे एरिया पे कभी भी मैंने कुछ किसी भी तरीके का फूड ब्लॉग नहीं किया था। और तो चार ये बज चुका है, लंच करने का टाइम हो गया, लंच कर चुका है। सुबह से हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, काफ़ी कुछ एक्टिविटी, क्यूबा लिब्रे, क्रोमा, वीडियो शूट, बहुत कुछ कॉम्बो, बहुत कुछ। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं खुशी रेस्टोरेंट पे, एंड देखते हैं गाइस क्या किस तरह का खाना मिलता है, क्योंकि पहले भी आ चुका होगा। नहीं, हम इधर का स्पेशलिटी एक ही चीज़ बताएंगे, क्या वो तुमको वो स्टोरी पे मिलेगा, स्टोरी पे मिलेगा। ये वीडियो कब अपलोड होगा? वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगा, अभी तो शूट चल रहा है। फिलहाल चलते हैं, देखते हैं क्या स्पेशलिटी है। चिकन बिरयानी में बस लेग पीस देता है और कुछ नहीं, यही स्पेशलिटी है, यही स्पेशल नहीं, अच्छा टेस्ट भी है, लेकिन बस लेग, पता नहीं इतना लेग पीस कहाँ से लाता है। ओके देखते हैं, चलो लेट्स गो इनसाइड। सो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं खुशी रेस्टोरेंट पे, एंड हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। दिस इज द ओपन नॉन एसी रेस्टोरेंट, एंड हम लोगों ने ऑर्डर किया है क्या, चिकन बिरयानी चार प्लेट। सो सिद्धार्थ ने पहले भी आ चुका है इधर एंड ट्राई कर चुका है, सो वो हम लोगों को इधर लेके आया है। मैं इधर फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो देखते हैं कि चिकन बिरयानी किस टाइप का है, कैसा टेस्ट है, एंड प्राइसिंग क्या है चिकन बिरयानी का। ओके बिल देख के बताते हैं, हम लोग अभी कोई आइडिया नहीं। ओके तो ये जो चिकन बिरयानी देख रहे हो गाइस, इसका अरोमा काफ़ी अच्छा है, हमारे नाक तक आ रहा है। एंड यहाँ पर चिकन बिरयानी के साथ हमें एक रायता में एक बॉयल्ड आलू, जो कि बंगाल का फेमस है, बंगाल में आप बिरयानी खाओगे तो आपको जो है बॉयल्ड आलू मिलता ही है, एंड चिकन, एक पीस चिकन। सो सिद्धार्थ ने जैसे कि मुझे बताया कि यहाँ पर चिकन बिरयानी में हमेशा जो है लेग पीस ही दिया जाता है। सो ये चारों प्लेट में लेग पीस, तो आप जब भी बिरयानी लोगे तो आपको जो है लेग पीस ही मिलेगा इस रेस्टोरेंट पर, एंड एक बॉयल्ड एग। एंड राइस का क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा है, देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी देखते हैं कि टेस्ट इसका कैसा है। तो सबसे पहले मैं एक स्पून ट्राई करता हूँ, एंड राइस का क्वालिटी देखते हैं कैसा है। बिरयानी जो गाइस वाकई में टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है, एंड क्वांटिटी में भी ठीक ही है। अभी देखते हैं कि प्राइस क्या है, वो लास्ट में हम लोग, मैं आपको बताता हूँ कि प्राइस वगैरह क्या है, बट बिरयानी टेस्ट वाइज सही है। सो अभी बज रहे गाइस शाम के 4:30, और अभी हम लोग लंच कर रहे हैं। सुबह से हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया, ऑनेस्टली बिरयानी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है इस बिरयानी का। ये रायता हमको ये रायता नहीं खाना चाहिए, रायता अच्छा नहीं, रायता अच्छा नहीं, बिरयानी अच्छा है, बिरयानी अच्छा। ये हम बोल देंगे बिरयानी अच्छा, आपको कैसा लगा? अच्छा है संजीव, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओके सो गाइस सब ने ही अच्छा रिस्पांस दिया, बिरयानी जो है सबको ही अच्छा लगा, एंड प्राइस देखते हैं कितना है। मेरे हिसाब से इसका प्राइस जो है 150 से 180 या फिर 200 भी ठीक है, बट स्टैंडर्ड बिरयानी के हिसाब से मेरे हिसाब से 150 के आसपास ये होना चाहिए, बट मुझे नहीं पता इसका प्राइस क्या है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मेनू कार्ड चेक ही नहीं किया, बिकॉज हम लोगों को पहले से बिरयानी खाना था, इसीलिए हम लोगों ने मेनू कार्ड नहीं देखा। गाइस आज का लंच काफ़ी अच्छा रहा, चिकन बिरयानी जो है वाकई में ही काफ़ी अच्छा था, एंड जो मज़े की बात है वो चारों प्लेट में लेग पीस था। एंड जैसा कि गाइस मुझे सिद्धार्थ ने बताया था कि यहाँ पर उसने तीन चार आइटम पहले ही ट्राई कर रखा था, बट उसे जो है चिकन बिरयानी सबसे ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली में चिकन बिरयानी काफ़ी अच्छा था, यहाँ प्राइस था गाइस एक प्लेट का 160 रुपीज़, जिसमें आपको एक बॉयल्ड एग, बॉयल्ड आलू एंड चिकन लेग पीस, तो काफ़ी अच्छा था, ऑल ओवर एक्सपीरियंस गाइस टू गुड। का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल पर गाइस पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, इस तरह का वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।